एकेडमी। तो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम जेस्ट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 का, अगर आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो देखिए एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी है 25 फेब 2023, यानी कि जस्ट 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों तो ये आपको डेट लिखी हुई है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ कि जस्ट एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च 11 तारीख को होगा। फिर अगर बात करें कैंडिडेट मस्ट अप्लाई, कितनी फ़ी है, 800 रुपये फ़ी है। और अगर आप SC ST ठीक है या मेल कैंडिडेट है ना, SC ST मेल कैंडिडेट है तो 400 रुपये फ़ी है, एंड नॉन SC ST फीमेल कैंडिडेट है तब भी 400 रुपये फ़ी है। तो ये आपको फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी इज वेव्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है ना, आपको बस फॉर्म फिल करना है। तो अगर जेस्ट किस लिए होता है ये थोड़ी सी बात बता दूँ, जेस्ट होता है PhD और इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए, फिजिक्स में थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और नैनो साइंस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, जो अपना PhD है इंटीग्रेटेड PhD है वो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर लिखा है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स ऑलमोस्ट आपको पता चल जाता है, द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, रिकग्नाइज जस्ट एज ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन देयर ऑफिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकग्नाइज जस्ट एज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन देयर ऑफिस मेमो। और यहाँ पे लिखा है फेलोज वर्किंग इन SERB प्रोग्राम एंड क्वालिफाइड इन नेट आर एलिजिबल टू गेट इन्हांस्ड फेलोशिप, ओके। फिर देखो क्या लिखा है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैव देयर ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर एक इंस्टीट्यूट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये देखो ये हमारे जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट दी है, एरीज यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है, ओके। यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स है ना और इन सब्जेक्ट के अंदर अपना जो है रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा गिवन है यहाँ पे, एरीज है, बोस इंस्टीट्यूट है, HBNI बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं PhD करने के लिए वो यहाँ पे, HRI हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICTS है यहाँ पे है, IGCAR है, IIA, IISC, आइजर भोपाल, आइजर बहरमपुर, कोलकाता, आइजर मोहाली, पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, IAST, IMSC, IOP, IPR, IUCA, JNCARS, ओके, NBRC, NCRA, NI, NIZER, PRL और RRI और SINP, ये सारी जो इंस्टीट्यूट है, टिफर के सारे इंस्टीट्यूट, ये मतलब मान के चलो 24 इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट जिनको हम कहते हैं हमारे रिसर्च के लिए वो यहाँ पे है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बच्चे को MSc होना चाहिए, है ना। अगर आप PhD करना चाह रहे हैं इंटीग्रेटेड PhD के लिए BSc होना चाहिए, समझ गए। PhD प्रोग्राम में फिजिक्स के लिए MSc होना चाहिए, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का, इंस्टीट्यूट्स का अपना क्राइटेरिया होता है मैंने बताया। तो MSc फिजिक्स अगर आपको करनी है IUCA से तो सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद बात करें इंटीग्रेटेड PhD की, तो BSc फिजिक्स होनी चाहिए या BSc के अंदर जो सब्जेक्ट है वो होनी चाहिए आपके, अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD के प्रोग्राम में एनरोल करना है, ओके। एग्ज़ाम सेंटर ऑलमोस्ट आपको हर सिटीज़ के अंदर मिल जाते हैं, दिल्ली, गोवा, एवरीवेयर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई फॉर्म में जाएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं जाता चाह रहा हूँ। कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट में अपना जो इशू है मुझसे पूछ सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस मैं अगर बताऊँ आपको तो डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, फिजिक्स के सिलेबस में 80% जो है ये मैच करता है JM के साथ, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है वो आपको देखना पड़ेगा, ओके। सो होप सो यू एंजॉय दिस, टेक केयर, बाय बाय।